वजह से लॉकडाउन है, लेकिन जरूरी काम रुके भी नहीं है। राज्य सरकार ने अफसरों के विवेक पर छोड़ दिया है कि किसे बाहर जाने की अनुमति दी जाए और किसे नहीं। हमारे अफसर किस संवेदनहीनता से काम कर रहे हैं, इसका उदाहरण शुक्रवार को उस समय देखने को मिला जब एक माता पिता को वीडियो कॉल से ही अपनी बेटी के अंतिम दर्शन करने पड़े। इस दौरान 4 साल की बेटी भी फूट फूट कर रोती रही। इन्हीं अफसरों ने 4 दिन पहले एक मंत्री की सिफारिश पर 8 बसों में बैठे हुए सैकड़ों लोगों को दूसरे जिले में जाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन एक माँ और बाप को अपनी बेटी के अंतिम दर्शन नहीं करनी थी। नामकुम हाई टेंशन कॉलोनी निवासी जितेंद्र कुमार की बेटी रानी की शादी नवादा में हुई थी। कुछ समय से वो बीमार थी। बुधवार देर रात को तबीयत बिगड़ी और सुबह तक उसकी मौत हो गई। गुरुवार को जितेंद्र और उनकी पत्नी सुलेखा ने बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी। कुछ लोग उन्हें लेकर डीसी कार्यालय गए, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी, जिसके बाद डीटीओ कार्यालय पहुंचे। कर्मचारी ने बताया कि लॉकडाउन में दूसरे राज्य में जाने की मंजूरी नहीं मिल सकती है। ये सुनकर वो वापस लौट आए। जितेंद्र ने बताया कि बेटी का अंतिम फोन बुधवार रात को 12 बजे आया था। रोते हुए वे कह रही थी कि पापा अब हम नहीं बचेंगे, माँ को लेकर आ जाइए, एक झलक आप लोगों को देख लेंगे तभी मुझे शांति मिलेगी। रानी की 4 साल की बेटी सुहानी नाना जितेंद्र के पास ही रहती है। जितेंद्र और उसके परिवार ने मोबाइल पर वीडियो कॉल कर रानी के अंतिम दर्शन किए। माँ की आंखें बंद हुए और लेटे हुए देख कर छोटी सी सुहानी कितनी जोर शोर से रोने लगी, लेकिन ये अफसरों का दिल नहीं पसीजा। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम की सिफारिश पर रांची की डीसी राय महिपात रे ने 29 मार्च को 8 बसों को पाकुड़, साहिबगंज, कोडरमा जाने की मंजूरी दी थी। इसमें सैकड़ों लोग सवार थे। मामला गरमाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शो पॉज नोटिस भी जारी किया। डीसी ने कहा था कि केंद्र की गाइडलाइन के बाद मंजूरी रद्द कर दी गई थी, हालांकि तब तक सारी बसें पाकुड़ जा चुकी थी। अब सवाल ये है कि अगर मंत्री के कहने पर 8 बसों में सैकड़ों लोगों को जाने की अनुमति मिल सकती है, तो क्या एक 4 साल की बच्ची को अपनी मां के अंतिम दर्शन करने की अनुमति नहीं मिल सकती। न्यूज़ डेस्क।